Bye, Ivan. It's your first day. Hey guys, welcome to my new vlog. Hope you all are doing good. So, आज है मंडे और अभी ना ऑफिस ओवर हुआ है एंड बहुत ही ज़्यादा टायरिंग डे था. लेकिन हम लोग ना किसी काम के लिए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए, और एक बार हो जाए फिर आपके साथ शेयर करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड. One hour later. So guys, हम जिस काम से आए थे वो हो गया है. हमने ना इवान को एक्चुअली डे केयर में इनरोल कर दिया है फाइनली. मैं आपको अपने पुराने व्लॉग्स में भी बता रही थी ना कि हम लोग सोच रहे हैं, तो बस आज हमारी वहीं पे ही अपॉइंटमेंट थी. एंड मेरे को और सिद्धार्थ को काफी अच्छा लगा है वो, तो कल से ना इवान जाएगा अपने डे केयर में. एंड अभी ना 2 days a week ही जाएगा. तो अभी ना ईस्टर चल रहा है तो वहां पर ईस्टर एग हंट भी होगा. इवान को ना एग हंट के लिए एग्स भी लेकर जाने हैं, तो हम लोग अभी जाएंगे डॉलर ट्री में, वहां से एग्स लेकर आएंगे एंड उसमें जो भी फिल करना है वो फिल करेंगे. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट कि वो ना वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करे. आई होप ही एंजॉयज इट. हम घर आ गए थे और घर आकर थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी मैं कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन. डिनर में मैं बना रही हूँ आलू और कैबेज की सब्जी और थोड़े से बस इसमें मैं पीज ऐड करूँगी और बस बेसिक मसालों के साथ ही इसे बना लूँगी. से ये ईस्टर एग्स, जेली बीन्स और चॉकलेट्स लेकर आई हूँ. तो बस जब तक मेरी सब्जी बन रही है मैंने सोचा कि मैं ये ईस्टर एग्स को फिल कर देती हूँ और कल इवान अपने स्कूल ले जाएगा. तो ईस्टर एग्स हमारे फिल हो चुके हैं यहाँ पर और इनको मैं एक पैकेट में डाल दूंगी. ये ना 12 हैं, तो कल इवान इनको लेके जाने वाला है अपने स्कूल. सो यहाँ मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है, अब मैं फटाफट से बनाऊंगी फुलके और इवान को भी खाना खिला कर ना आज उसको जल्दी सुला दूंगी, क्योंकि फिर कल उसको उठना भी है जल्दी. Also guys, if you like my vlogs, do consider subscribing to my channel and it really motivates me. गुड मॉर्निंग गाइज, आज नेक्स्ट डे है और यहाँ पर ना सिद्धार्थ पैक कर रहे हैं इवान के डे केयर के लिए सामान, लाइक उसके डाइपर्स, क्लोथ्स, वाइप्स, जो जो उन्होंने मतलब लिस्ट बनाई हुई है वो सब उनको हम आज डिपॉजिट कर देंगे. इवान भी यहाँ पर उठ गया है और उसे कोई आइडिया नहीं है कि आज वो जाने वाला है अपने स्कूल. ऑल्सो अभी उसकी मस्ती चल रही है, लेकिन थोड़ी देर में देखते हैं कि उसका कैसा रिएक्शन रहता है. I still live with my parents. इवान? इवी? इवान कहाँ जा रहे हो आज आप? ये ऐसा क्यों मुंह बना रहा है? क्या हुआ? कुछ कर तो नहीं रहा? नहीं, इसके मुंह में पीनट बटर ब्रेड है. ईवी, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो आज? बाय इवान, इट्स योर फर्स्ट डे, टेक केयर, बाय बाय.
enjoy, okay? Have a good time. Have a good time, Ivan. Make new friends, okay? गाइज हम लोग ना इवान को छोड़ के आ गए हैं. आज उसका फर्स्ट डे है डे केयर पे, तो बहुत अजीब सा लग रहा है. वो तो मतलब पूरा इंजॉय कर रहा था वहाँ, बच्चों के साथ खेल रहा था, बिजी हो गया था. उसने तो मुझे देखा भी नहीं, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा हो रहा था कि मैं थोड़ा और देर रुक जाऊँ उसको देख. अभी मेरा भी ऑफिस है तो मुझे अपना काम स्टार्ट करना है जाके. अभी हमने ब्रेकफास्ट उठा लिया अपना, और आज से दैट भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, क्योंकि अगर बीच में वो लोग कॉल करते हैं कि वो नहीं सेटल डाउन हो रहा है तो ताकि उसको लेने जा सके. बस अभी चलते हैं घर और काम स्टार्ट करते हैं. हमने अपने लिए लिए हैं बीन एंड चीज टैको, तो बस फटाफट से इसको खाएंगे और काम पे लगेंगे. अभी ना 11:30 हो गए हैं और हमें अभी कोई कॉल नहीं आई है इवान के डे केयर से. हमने उसे 9:00 ड्रॉप कर दिया था. हमने उनको कह दिया था कि अगर वो तंग करेगा तो हमें कॉल कर देना, हम आ जाएंगे लेने. दैट्स व्हाई सिद्धार्थ इज वर्किंग फ्रॉम होम. इट्स बीन 2.5 hours नाउ एंड अभी तो कोई कॉल नहीं आई है, तो दैट मीन्स आई एम अज्यूमिंग कि वो ठीक ही कर रहा होगा. और जो ये आज का जो फर्स्ट डे है ना, वो मुझे उसके लिए तो नहीं पता, ऑब्वियसली उसके लिए भी हैवी होगा, लेकिन मेरे लिए आई फील इट्स वेरी हैवी, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे उसके बिना रही नहीं हूँ. तो बहुत ही हर टाइम यू नो लाइक आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, हर टाइम वो और मैं साथ में ही रहते हैं. तो इट्स हार्ड फॉर मी एज वेल. आई नो दैट्स हाउ ही इज गोइंग टू लर्न. वो जाएगा वहाँ पे, बच्चों से मिलेगा, फ्रेंड्स बनाएगा, सोशल होगा थोड़ा सा, और काफ़ी कुछ सीखेगा जो वो घर पे यू नो मिसिंग है, जो नहीं सीख पा रहा है. तो आई एम हैप्पी फॉर हिम एंड आई जस्ट होप कि वो भी वहाँ पे खुश हो. मेरा जो ऑफिस मैंने सेटअप किया हुआ है वो इवान के रूम में किया हुआ है, तो वो यहाँ आगे पीछे भागता रहता है. उसके टॉयज़ पड़े होते हैं यहाँ पे, तो अपने टॉयज़ के साथ खेलता रहता है. तो बस ऐसे ही चलता रहता है पूरा दिन. एंड अभी ना मैंने 15 मिनट्स की ब्रेक ली है, और मैंने सोचा कि मैं अभी कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी. बस थोड़ा सा जल्दी से जो भी मेरा आज के टास्क हैं वो मैं कंप्लीट करूँगी, एंड देन उसको मैं लेने जाऊँगी शाम को. देखते हैं वो कैसा रहता है और क्या रिएक्शन रहता है उसका. अभी मैंने ले ली है अपनी लंच ब्रेक, और यहाँ पे कर रहे हैं लंच. तो मैंने ना आलू बीन्स की सब्ज़ी पड़ी थी मेरे पास लेफ्ट ओवर, वो ले ली है. साथ में कुकुम्बर और अचार ले लिया है. तो बस लंच करके हम लोग लेकर आएंगे इवान को. आ गए हैं, और मैंने ना घर आकर इवान को नहला दिया था, उसके कपड़े चेंज कर दिए, और अभी मैं उसको एक पनीर का पराठा खिला रही हूँ, क्योंकि पता नहीं उसने ना ढंग से इतना खाया नहीं स्कूल में. ऑल्सो अभी वो थोड़ा इमोशनल था आज उसका, क्योंकि फर्स्ट डे था और वो तो मतलब होना ही था उसने. होपफुली धीरे धीरे बेटर हो जाएगा. दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई होप यू लाइक दिस व्लॉग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाई.